नमस्कार, सरोज इंडियन रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सरोज चौधरी। आज हम केले से चिप्स बनाएंगे, जिसे देखकर आप अपने घर में बहुत ही अच्छे केले से चिप्स बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे बड़ी आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3-4 केले लिए हैं, कच्चे वाले केले हैं। चिप्स बनाने के लिए हमें कच्चे केले की ज़रूरत होती है। चाकू से केले का छिलका हटा देंगे। ये मैंने केले को छील लिया है। चाकू से प्लेट में एक जैसे चिप्स काट लेंगे। चिप्स आप थोड़े छोटे या बड़े कैसे भी काट सकते हैं। एक बार कढ़ाई में जितने चिप्स आए उतने ही काटें। ये मैंने 2 केले के चिप्स काट लिए हैं। चिप्स तलने के लिए मैंने तेल गरम रख दिया है। तेल अच्छा गरम हो चुका है, गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। एक बार कढ़ाई में जितने चिप्स आएंगे उतने डाल देंगे। शुरू में 2-3 मिनट गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। तीन मिनट हो गई है, चिप्स को चम्मच से थोड़ा चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। चिप्स को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। चिप्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, दूसरे चिप्स काट लेंगे। चिप्स क्रिस्पी हो चुके हैं, कलछी से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे चिप्स सिककर तैयार हो चुके हैं। प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमने फिर से चिप्स काटे थे वो फिर कढ़ाई में डालेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। फिर से चिप्स कढ़ाई में डालेंगे। एक एक करके चिप्स को डालेंगे, एक साथ चिप्स नहीं डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे। ये मैंने सारे चिप्स एक के तैयार कर लिए। चिप्स को एक प्याले में डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बनके तैयार हुए हैं। एक चिप्स तोड़ के दिखाती हूँ। तो लीजिए, केले की चिप्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस तरीके से चिप्स बनाइए, बहुत अच्छे चिप्स बना सकते हैं। आप भी चिप्स बनाइए, खाइए। और हाँ, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरी बहुत सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।